राधे 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 श्याम, आप सबको जय श्री राम। एक और नया दिन, एक और नई सुबह तो नहीं बोलेंगे, शाम बोलेंगे। और भाई 4 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था, तो वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए सॉरी। तो भाई आज हम तगड़ी वीडियो लेके आ चुके हैं आपके लिए। ये कोई घोस्ट वीडियो नहीं है, मतलब पार्ट टू नहीं है, पार्ट टू हम बाद में डालेंगे, जो घोस्ट टू का है। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बता सके रामायण के जिंदा सबूतों के बारे में, कि भाई जो रामायण थी वो असली थी, उसके जिंदा सबूत अभी भी हैं, और यद्यपि तुम जाओगे तो तुम्हें ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई जिसने भी वीडियो को, यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे यार व्यू बहुत करते, चैनल को सब्सक्राइब कम करते, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए। आपको पता है हमारे यहाँ रामायण के कुछ असली सबूत मौजूद हैं, और वो अभी भी आपको देखने को मिलेंगे जब तुम उसकी खोज में जाओगे। रामायण एक ऐसी कथा नहीं, रियलिटी बताएंगे, जिसमें हमारे प्रभु राम का पूरा वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारा रामायण का जिंदा सबूत है वो दिखाते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो रावण था वो सीता का अपहरण करके उसको ले गया था अपने वहाँ लंका में। तो उसने जो सबसे पहली जगह थी, ये सांप के जैसा जो दिखता है गुफा टाइप, इधर रखा था। ये पहाड़ का जो मुँह है वो, मतलब चट्टान, जो सबसे पहले रावण जो सीता का अपहरण करके ले गया था, उसने सबसे पहले सीता को इधर रखा था। इसके यहाँ कुछ ऐसे सबूत भी है जिससे मतलब और भी पता चल जाता है कि सीता माता इधर रहते होंगे। हमारा जो सबूत है कि रामायण थी, राम जी थे हमारे, वो है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी एक ऐसी जगह थी जहाँ हमारे हनुमान जी अपने प्रभु राम की प्रतीक्षा करते थे, और ये रियलिटी में प्रेजेंट है। इसमें मतलब मंदिर बन रखा है, जो अयोध्या में जाएंगे जब भी तो वहाँ आपको हनुमानगढ़ी का मंदिर मिलेगा। और अब तीसरे सबूत में आते हैं, और वो है हनुमान जी के पदचिह्न। तो जैसे कि आपको पता है, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो उनने विशाल रूप धारण किया था अपना, तो विशाल रूप धारण कर वह लंका की ओर गए। श्रीलंका में अभी भी उन्हीं के जो बड़े जो पाँव के निशान है वो प्रेजेंट है, और ये एक बहुत ही बड़ा सबूत है कि रामायण घटी है। बड़ा सबूत है कि वह घटी थी, क्योंकि जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका के लिए गए थे अपना विशाल रूप धारण कर, तो वहाँ उनके पदचिह्न, मतलब उनके पैरों के निशान उधर छप गए थे। और चौथा सबूत है हमारा राम सेतु। पता है आपको, जब राम जी और लंका की ओर जा रहे थे सीता की खोज के लिए, तो उनके बीच में एक विशाल समुद्र आता है, तो उसको पार करने के लिए वह सोझा उनके बीच में जो दो नलनीर होते हैं, उनके उससे वो पत्थर होते हैं, वो पानी में तैरने लग जाते हैं। राम लिखते हैं तो पत्थर तैरने लग जाते हैं, तो उसके करके वो वहाँ राम सेतु बनाते हैं, मतलब एक पुल टाइप बनाते हैं उन राम, मतलब नलनीर की वजह से पुल वगैरह बनाते हैं, एक एक ईंट जोड़ जोड़ के, मतलब एक एक पत्थर जोड़ जोड़ के, और वो अभी भी मौजूद है। आपको मैप, अगर आप मैप भी खोल लेंगे उसमें भी दिखेगा आपको। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि रामायण घटी है। और भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अभी भी मौजूद है, ये तो ही राम जी और उनके अस्तित्व का परिणाम है, क्योंकि उनने जब सीता की खोज के लिए निकले थे तो बीच में समुद्र आया था बहुत बड़ा, उसके करके उनको लंका जाना था, तो उनने राम सेतु का निर्माण किया। भाई पांचवे जो सबूत है उसको, मतलब हम बताते हैं जो पांचवा सबूत क्या है। पांचवा सबूत है जो श्रीलंका और मतलब जो राम सेतु के पत्थर थे। अब देखो भाई, नॉर्मल कोई पत्थर होगा वो पानी में तो तैर नहीं सकता, और भाई और वो पत्थर अपने आप मतलब पानी में आ नहीं सकते, वो किसी ने रखे ही होंगे, और जो पत्थर थे वो तैर रहे थे, तो समझ लो कि
के रामायण का सब। कई मंदिरों में जाएंगे तो उधर आपको तैरते हुए मतलब तैरने वाले पत्थर जरूर मिलेंगे मंदिरों में, चेक करना कहीं। तो जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ था तो उसमें लक्ष्मण जी को वो बाण लग गया था जिसके कारण वह बेहोश हो गए थे, और जब हनुमान जी को पता चला तो हनुमान जी और वहाँ जड़ी बूटी लेने गए थे, तो द्रोणागिरी पर्वत गए थे जो अभी भी मौजूद है श्रीलंका में। जब मतलब जब संजीवनी बूटी नहीं मिली उनको तो वो पूरा पर्वत उठा के श्रीलंका में लिया। तो ये है सब। तो सातवां जो सबूत है उसमें हम आते हैं, जो सातवां सबूत है वो है अशोक वाटिका। जब रावण सीता माता को लंका ले गया था अपनी, तो उनने सीता माता जी ने लंका रहने से मना कर दिया था, तो रावण ने उनको अशोक वाटिका में रख दिया था। मतलब अशोक वाटिका में जो सीता माता जी थे वो रह रहे थे। और आश्चर्य की बात तो ये है अशोक वाटिका अभी भी प्रेजेंट है श्रीलंका में। तो ये एक सबसे बड़ा सबूत है कि रामायण। और जो हमारा आठवां सबूत आता है कि पर्वत कैरों में रावण महल, जिसको हम लंका के नाम से जाना जाता है, लंका के नाम से जाना जाते हैं और जानते हैं, और वो बहुत ही पॉपुलर है। और आश्चर्यचकित तो यह बात है कि जो रावण की लंका है वो अभी भी मौजूद है, और उधर आधे से ज़्यादा लोग ट्रैवल करने जाते हैं, उसको विजिट करने जाते हैं। श्रीलंका में रावण का महल मौजूद है अभी भी। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि रामायण घटी है। और ग्यारहवीं हम बात में आते हैं, सबूत है जो ग्यारहवा वो है लंका के अवशेष। मतलब लंका के अवशेष मतलब जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के पूरी लंका की लंका लगा दी थी, मतलब पूरी लंका में आग लगा दी थी, तो जो लंका थी वो जल चुकी थी। और अभी भी मतलब वो जो पत्थर हैं, आप अगर वहाँ श्रीलंका में जो महल मौजूद है उधर जाएंगे तो उधर अभी भी आपको जले हुए अवशेष मिलेंगे, मतलब जले हुए पत्थर दिखेंगे वहाँ। तो इससे समझ जाओ। जो हमारा बारवा है, बारवा सबूत आता है वो है पंचवटी। पंचवटी एक ऐसी जगह थी जहाँ राम जी, लक्ष्मण जी एंड सीता जी जब वनवास मिला था तो वहाँ वो रुके थे जंगलों में, ये जंगलों के बीच में है। और ये अभी भी प्रेजेंट है, जहाँ लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा जी की नाक काटी थी, तो वहाँ लक्ष्मण जी का अलग से भी मंदिर बना है, और ये जंगलों के बीच में, और वो अभी भी मौजूद है। तो सबसे बड़ा सबूत है रामायण। एंड बहनों, आज हमने बात की रामायण के कुछ ऐसे सबूतों के बारे में जो रामायण को दर्शाते हैं कि वो रामायण थी, रामायण घटी है। तो आज की वीडियो में हम यही समापन करते हैं वीडियो का, क्योंकि भाई अभी एडिटिंग भी करनी है। और मिलते हैं यार किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। ब्लॉग नहीं डाला बट वीडियो डाली है, तो ब्लॉग भी आएंगे ज़रूर, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो मिलते किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, राधे श्याम आप सबको, जय श्री राम, बाय बाय।